नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस कड़ी में हमारे साथ बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे इंसान और एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ओम साई राम के बहुत बड़े भक्त हैं दोस्तों, जिनका नाम है आशिम खेतरपाल। तो आइए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आप लोग का नहीं लूंगा, मैं सबसे पहले आपको आशिम जी से मिलवाने जा रहा हूं। नमस्ते सर। नमस्ते विजय जी, कैसे हैं? आज कारगिल दिवस है और सब बढ़िया बहुत सर। आप बहुत अच्छा लगा जी। आपको और मिलकर। आपका सर हमारे मंच जी आपका हमारे मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू। और आज कारगिल दिवस है और बहुत बहुत अच्छा लगा आपने आज के दिन पे हमारे को इनवाइट किया। वाकई में कारगिल दिवस पे हम लोग भी धन्य हैं कि आज हमारे सैनिकों ने जो झंडा गाड़ा था वो सदा याद किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप कुछ अपने बारे में बताइए, आप अपने बचपन के बारे में बताइए। जी बचपन सेंट कलम्बस स्कूल में था जी और स्कूल से काफी एक्टर्स निकले हैं जी और उसमें बहुत प्रोमिनेंट है शाहरुख खान, जो हमसे 3 साल छोटे थे। जी मुकुल देव निकले, उनके भाई निकले हैं, जी पांच छह और बहुत एमिनेंट लोग निकले हैं जो इंडस्ट्री के। तो सेंट कलम्बस जी स्कूल, हम सोचते हैं कि जो एक स्कूलिंग थी हम लोगों की, जैसे बहुत बार शाहरुख ने भी बोला है अपने इंटरव्यूज में, वो शायद स्कूलिंग हम लोग कभी नहीं भूल पाए। वो स्कूलिंग जी से ही हम लोगों के जीवन, सबके जीवन में एक विलपावर, एक दृढ़ता आई कि जिंदगी में कुछ करना है और हार नहीं जी माननी। बिल्कुल और ये कंपटीशन होता है तो ये होता है। स्कूलिंग के बाद खत्म हुआ तो हिंदू कॉलेज में हम टेनिस खेलते थे और जूनियर्स में जी इंडिया में रैंक थे, और कॉलेज में पहली बार सेकंड ईयर में टेनिस खेलते खेलते हम लोग इंटर कॉलेज जीते, और उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हमें जी मेक्सिको यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट किया गया। समझिए कि पढ़ाई बस खाली स्पोर्ट्स में ही निकल गई और कुछ जी ऐसा हुआ कि जिंदगी में, कि 1987 में, क्योंकि तो स्पोर्ट्स में उस टाइम पैसा नहीं होता था, बट सब अपने ऑनर जी के लिए, और बहुत अच्छा लगता था। और उस टाइम स्पोर्ट्स पेजेस भी टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस के आधे आधे पेज के होते थे, तो स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा जी अहमियत नहीं। और बस ऐसा ही कुछ मौका मिला और बाय चांस जी हम इंडिया टुडे और बाकी न्यूज़पेपर्स के लिखने के लिए शुरू कर दिया हमने, और जी शुरू किया तो वहां पर इत्तेफाक से एक हुआ कि हमें सुनील गवास्कर की इंटरव्यू लेनी थी। तो क्या बात जी। 1987 की बात है, 86-87 एमआरएफ जी वर्ल्ड कप हो रहा था, जी और वो इंटरव्यू देने के लिए कभी फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, कभी ओबरॉय होटल, भागदौड़ जी करनी पड़ी, मगर इंटरव्यू मिलते मिलते बहुत टाइम लग गया। जी क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते थे तो मन में ऐसा आया कि खून तो सब में एक ही है, बिल्कुल ऐसा क्या है कि हम किसी के पीछे पीछे दौड़ते रहे, हमें नहीं दौड़ना। जी जी खैर वो इंटरव्यू तो ली नहीं हमने, 8 बजे तक शाम को वेट करते रहे, इंटरव्यू नहीं ली, बट हमने एक कंपनी लॉन्च करी 1,000 रुपए से, रेडियंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जी और रेडियंट का इस कंट्री के अंदर 5 साल के अंदर बहुत बहुत अहम रोल रहा है स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स जी में, स्पेशली बिलियर्ड्स, स्नूकर, टेनिस और बाद में क्रिकेट में। जी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत ही टफ थी उस टाइम, क्योंकि आपको जी फॉरेन प्लेयर्स को मंगवाना,
फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना, क्लियरेंसेस लेना, गवर्नमेंट से सब क्लियरेंस, इवेंट मैनेजमेंट कुछ पक्की नहीं होती थी, पुलिस प्रोटेक्शंस लेना, ये सब चीजें आसान नहीं थी। खैर उस जमाने में 10 साल में हमने कोई 387 इवेंट्स, उसमें से 150 इवेंट्स इंटरनेशनल इवेंट्स करे। क्या बात, बहुत। और WPBSA ने, वर्ल्ड प्रोफेशनल स्नूकर बोर्ड ने हमारे को और माइकल फरेरा को बहुत बड़ा ऑनर दिया। वैद्य खुशवंत सिंह, सॉरी कुलदीप नायर होते थे इंडियन हाई कमीशन के इंग्लैंड में, तो हम लोगों को बहुत बड़ा ऑनर मिला और एक हमें BMW कार एक ऑनर पे उन लोगों ने दी। और उस मीटिंग में जब ये दिया गया ऑनर, तो लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स दोनों थे उधर। सो ये, और उस दौरान हमने एक चीज शुरू करी, फिल्मों से नाता ऐसा हुआ कि स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स अगर बढ़ावा अगर होता स्पोर्ट्स का, तो वो ग्लैमर से ही होता। और ये बात हम समझ गए थे कि ग्लैमर से ही स्पोर्ट्स का होगा, तो हमने मूवी मैगजीन और स्टार एंड स्टाइल इनके सब जर्नलिस्ट को बोला कि एक आप एक काम करिए, कि मुलाकात हुई उन लोगों से कि आप, हम स्पोर्ट्स स्टार्स और फिल्म स्टार्स को मिलके एक इवेंट करते हैं। और 1990 से लेके लकीली राजेश खन्ना बहुत पसंद करते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, और जब भी हम कभी बॉम्बे जाते तो ऐसा नहीं हो सकता था कि काका के घर ना जाओ, काका के ऑफिस ना जाओ, और बिठाए रहते थे और बहुत बातें स्पोर्ट्स की करते थे। तब उनका पॉलिटिक्स में एडवांस अभी एंट्री नहीं हुई थी, बट वो आ रहे थे और बहुत इवेंट्स थे काका ने आके, जैसे रविशंकर शो था, एशिया कप क्रिकेट था, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप थी, काका ने जाके ग्रेस किया जी। उससे स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा फ्लिप मिला, बिकॉज फिल्म स्टार्स को मीडिया बहुत कवर करती थी, और अगर बिलियर्ड को पॉपुलर होना था तो वो फिल्म स्टार्स के बदौलत ही हो सकती थी जी। और जब गीत सेठी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, तो उस टाइम अमिताभ बच्चन हॉलिडे इन में चीफ गेस्ट थे जी। तो ये सब चीजें जब हुई, तो लोगों को समझ आया कि ग्लैमर और स्पोर्ट्स को ऐड कर दो। तो फिर मिस्टर डालमिया, जो BCCI के सेक्रेटरी थे, लेटर प्रेसिडेंट बने, उनने भी हमें रिक्वेस्ट किया कि आप क्रिकेट इवेंट्स में भी आप स्पोर्ट्स स्टार्स और फिल्म स्टार्स को मुलाइए, ग्रेस करिए, सो दैट एक तो अटेंडेंस होगी, गेट मनी बढ़ेगी, प्लस उनका रुझान क्रिकेट में मिक्स करके एक ग्लैमर बढ़ता है, ग्लैमर वैल्यू बढ़ती है। तो वो सब काफी किया करने के बाद, ये कंसेप्ट ऑफ 2020 इंडिया में विक्रम कौल के साथ पहला 2020 इंडिया में हम लोगों ने कराया, और वो जितने भी जो रूल्स हैं, वो विक्रम कौल के साथ जो रूल्स लिखे गए थे 2020 के, जो इवेंट ग्वालियर में हुआ था ज्योतिराव सिंधिया के साथ, वो वही रूल्स ICC को दिए गए जी, जी। तो स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा। बट एक दिन ऑल ऑफ अ सडन, जब हमारे प्रति वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मिस्टर डालमिया ने उठाई थी, और जिसको हम स्कॉटलैंड यार्ड से जीते, केस जीते, तब तक हम एक अलग ही पुल जो है, क्योंकि कभी भी उस टाइम तक ये नहीं हुआ था कि स्पोर्ट्स प्रमोटर एक एक स्पोर्ट्स स्टार से बड़ा लार्जर देन लाइफ फिगर बन चुका हो जी। तो वो हो चुका था, और हर स्पोर्ट्स स्टार चाहता था कि हम इनके साथ करें, बिकॉज ही विल बी एबल टू गेट अस गुड कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लस हमारे को विजिबिलिटी इनके साथ रह के बहुत मिलेगी जी। क्योंकि हम भी लिखते थे 45 पेपर्स के लिए, हम भी लिखते थे, तो हमारे कॉलम में उनकी विजिबिलिटी होना, तो वो सब वो दिखता था। बट हमारा रिश्ता उनके साथ, स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ, आज भी अगर आप देखें पूरे टेनिस फ्रिटर्निटी में, के जितने भी जो टेनिस स्टार्स हैं,
वो जी सब कोचेस बन चुके हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम टेनिस खेली जाती थी 88 में 100 रुपए की, 100 रुपए को आपको महीने का चार्ज करते थे, खेलते थे। हम जी लोगों ने उसकी प्राइस कर दी 1600 रुपए। तो 1600 पे वही बच्चे अगर खेले तो एक आदमी को, कोच को कम से कम 50-60 हजार रुपए महीना मिल सकता था 1988 में। तो वो शुरू करने के बाद, और वहां से फिर प्लेयर्स निकलने शुरू हुए एक के बाद एक, 16 नेशनल चैंपियंस हम लोग और हमारी रेडियंट टेनिस एकेडमी ने निकाले थे। बट 1999 आते आते जब ये कंट्रोवर्सी हुई और हम कोई 325 कर चुके थे, इवन कबड्डी जो आप देख रहे हैं, कबड्डी को जी मैट पे खिलाना, मैराथन कराना, ये सब इवेंट्स करने के बाद हम शायद थक गए थे। और उस टाइम कॉलिंग ऑफ यूनिवर्स, ऑफ कॉलिंग ऑफ माय मास्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जब हम शिरडी गए तो पहली बार ऐसा लगा जैसे बाबा मुझे खींच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, बट जो फिल्म में दिखाया गया था कि जी बाबा ने साक्षात नीम के पेड़ जाके बोला, अर्जुन बहुत देर कर दी और तुम मेरा प्रचार करो, जिसकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, बिकॉज तब तक हम परमात्मा को इतना मानते ही नहीं थे, हम कर्म में बिलीव करते थे। जी और ये भी नहीं बोल रहे कि कोई सच्चे इंसान थे, आदमी बिजनेस करता है तो छोटे छोटे झूठ भी बोलता है अपने स्वार्थ के लिए, जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन, बट अंदर से किसी की हमेशा लोगों की भलाई चाहते थे। कोई भी फिल्म स्टार हो, कोई भी एथलीट हो, न्याय नहीं था और इंडिया के प्रति बहुत ज्यादा जज्बा था। शायद वो जो स्ट्रीक थी, बट आदमी जब कोई काम करता है और उसको जो मन परमात्मा चेंज करता है, तो सबसे पहले उसको सिखाता है कि शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि हम जी सब अपनी जिंदगी में शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट्स नहीं लेने के लिए, वो सबसे पहले एक सीख जब आपको आ जाए तो जिंदगी एक डिफरेंट टर्न ले लेती है। जी उसके लिए मास्टर की बहुत जरूरत होती है। और वो शायद बाबा ने, साईं ने उनका जो पुल था उन्हें खींचा, और इत्तेफाक से ही ये फिल्म बनना शुरू हो गई। शुरू भी क्या हुई कि हमें, साईं बाबा फिल्म साईं बाबा फिल्म बननी शुरू हो गई, जी और दीपक बलराज घर आए और जी उनका जन्मदिन था। और मजेदार बात है कि कारगिल के ऊपर ही हम फिल्म बना रहे थे, उस स्क्रिप्ट लेके क्या बात आए, है जी वहां पर बैठ के फोटो में से, बाबा की फोटो में से बाबा की विभूति गिरने लग गई, और उनका जन्मदिन था। कहते कि इससे अच्छा मेरे को दिन कुछ नहीं हो सकता, कि ये कैसे हो रहा है कि बाबा की फोटो में से विभूति निकल रही है। मगर वो फैक्ट था। और जब वो हुआ तो उसी दिन डिसाइड हो गया कि हम साईं बाबा फिल्म बनाते हैं। जी वो वापस गए, उनने पहला गाना रिकॉर्ड किया जो लेट पांडुरंग दीक्षित ने किया, और हम नहीं जानते, फिर वो वहां से जर्नी शुरू हुई साईं की तरफ। जी और ये आज इस बात को 21 साल हो गए। 21 साल में जो जर्नी हुई है वो इतनी वंडरफुल जर्नी हुई है, बहुत तकलीफें आई, बहुत तकलीफें आई, बट एक फिल्म आई थी गाइड। जी जब आपको मुहिम आपके पीछे पड़ी हो तो आपको फोर्स ऐसा देती है कि आपको और कोई काम रहता नहीं, आप वही काम कर सकते हैं। और जब ये फिल्म रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद जब
इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई जो हमारे प्रति हो रही थी 99 में, जी 2000 में, जी और जो सबसे बड़ा चमत्कार जिसने जिसने मुझे बाबा की तरफ बहुत खींचा था, वो था इधर जी कंट्रोवर्सी चल रही थी और इधर फिल्म बन रही थी, और करण जौहर के फादर आए, यस जी हम एट जुहू बीच में रहते थे, जी और वो साई बाबा की जब प्रमोशन हो रही थी तो उस टाइम तीन पिक्चरें आई थी, लगान, गदर, अशोका और साई बाबा। और जिस ढंग से साई बाबा की प्रमोशन हो रही थी तो उनके फादर जी आए और कहते हैं कि हम पांच प्रोड्यूसर्स हैं और अगर ये फिल्म चल गई तो हम आपको 5 लाख का चेक दे के जा रहे हैं, अगर चल गई तो यहाँ पर एक्टर को पहले ही साइन कर लेते हैं और हम लोग आते हैं और कर लेते हैं, और उसके बाद रेट फिल्म का बाद में डिसाइड करेंगे, तो अगर आपकी चल गई है पिक्चर तो आई वुड लाइक टू साइन यू, और वो 5 लाख का चेक दे के चले गए। जी नाउ वो फिल्म रिलीज हुई, सैटेलाइट ने में उस फिल्म ने आज भी इतना धमाल क्रिएट किया हुआ है, हर जी चैनल पे होती है, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होती है, जी मगर उस फिल्म ने शिरडी को शिरडी नहीं रहने दिया। जहां पर शिरडी में 1,000-2,000 आदमी आता था, उसके बाद जी ऑल ऑफ अ सडन 4 महीने में 8-10 हजार आदमी आना शुरू हो गया। जी बहुत लोगों के अंदर ये भावना आई कि यही साईं का प्रचारक है, और एक आदमी ने नहीं बोला, पता नहीं अनगिनत लाखों लोग ने बोलना शुरू कर दिया। जी वहां पर अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो हमारे राइटर थे विकास कपूर, जी बहुत कम उनसे मुलाकात होती थी, मगर उनने जब सीरियल बनाया साई बाबा, वे बारी 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 एक चीज बोलते थे कि अब सब काम छोड़ दीजिए, खाली बाबा काम करिए। और उसके साथ एग्जांपल्स भी होते थे, सब सड़क पे जाते थे तो लोग मिल जाते थे, बस ड्राइवर्स आते थे, तो नॉर्मल मास जुड़ने लग गया था। जी मैंने हिस्टेरिया नहीं बोल रहा हूं, बट मैंने लोगों को ऐसे देखा अपनी तरफ आते हुए जो आस्था से आ रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है। वो व्यक्ति अंदर से सोचने लगता है कि देर इज समथिंग, जिस राह पे मैं चल रहा हूं शायद वो सही नहीं है, कोई और मुझे काम करवा रहा है। बहुत बार थॉट आता था कि हम लोग सेंट कोलंबस के हैं, कॉन्वेंट के हैं, वहां से निकले, अलग किस्म की पढ़ाई हुई है, जी तो शायद इस राह पे, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस था, नहीं इस राह पे चोगा पहने वाले लोग ही चल सकते, आप नहीं चल सकते। बिल्कुल जी ये मैं अंदर के थॉट्स बता रहा हूं आपको, जी जी वो बिल्कुल गलत था। बारी 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 एक आदमी को जिसको शायद 6 लाइन हिंदी की भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, वो इंग्लिश और हिंदी में बोलता था, उस आदमी को ये टास्क आप दे दो तो कितना कठिन होता है। मेरा भाग्य है कि जब मास्टर किसी को छीनता है, लेता है अपनी तरफ, तो उसको ऐसे ऐसे लोग दे देता है जहां से वो सीखता है। सीख जी हर मिनट की जरूरी है। जी मेरे जीवन में विकास आए, शिव के भक्त थे, ज्ञान काफी था, थ्योरेटिकल ज्ञान काफी था, बहुत कुछ सीखा मैंने, मगर उनको हमेशा नमन किया जो ज्ञान दिया। ऐसे करके बहुत लोग आए जिंदगी में जो अलग अलग ज्ञान दे जाए, और सबसे बड़ा जो ज्ञान देते हैं वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, जी
और मुझे आज तक समझ नहीं आया, वो प्रॉब्लम्स लेके आते थे, हम जवाब देते थे कि उनका जवाब कैसे ठीक हो जाते थे। ये सीरियल में साईं भक्तों की सच्ची कहानियां जब आया, इधर साईं बाबा फिल्म चलती थी स्टार पे और इधर सीरियल चलता था। और जब तक यूपी बिहार बंगाल इंडिया में आपके साथ नहीं हो कोई भी चीज के अंदर, तब तक भारत आप जीत नहीं सकते। बट उस सीरियल ने पूरे यूपी को और बिहार और बंगाल को पकड़ लिया और साईं बाबा के अनेक मंदिर शुरू हो गए। अब एक आदमी जो पीछे सोचो, एक आदमी सेंट कलंबस का पढ़ा हो, 1999 में बीसीसीआई का आईसीसी प्रेसिडेंट उसके पीछे पड़ा हो कंट्रोवर्सी करने के लिए और जी मैच फिक्सिंग के बारे में आरोप लगा दिए हो, वो आदमी लड़के स्कॉटलैंड यार्ड से केस जीते और जीतने के बाद अगले साल प्रेसिडेंट का अवार्ड ले ले, ये भाई साहब क्या मैंने तो 60 साल में देखा नहीं, देखा नहीं। क्यों प्रेसिडेंट आपको तब अवार्ड देगा, वो भी जो अवार्ड जो मदर टेरेसा को दिया है नेशनल इंटीग्रेशन, जब आप क्लियर हो। पूरी प्रेस अचंभित थी कि यहां पर आईसीसी प्रेसिडेंट, और वो ही आईसीसी प्रेसिडेंट को जब वो गए तो उनका 15 दिन पहले फोन आया था कि शायद मैंने आपसे गलती करी, आपने मुझे माफ कर दिया। और मैंने टीवी पे प्रणॉय रॉय के शो पे बोला था, जब वो दूसरी तरफ लाइन पे नहीं आए थे, लाइव इंटरव्यू हो रहा था, और मैं बोला था बिवेयर द रॉथ ऑफ अ पेशेंट मैन। और वही बीसीसीआई प्रेसिडेंट और उनकी टीम हमारे घरों में, हमारे घर में कितनी देर बैठी रहती थी, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप्स नहीं होते थे, तो उनको पता था दूरदर्शन एक ही आदमी ला सकता है और स्पॉन्सरशिप एक ही आदमी ला सकता है जिसका नाम है ओशन खेत। वहां से जब हीरो कप का पैसा आया, उनको आईटीसी से पैसा आया, तब उनकी जिंदगी बदल गई बीसीसीआई की, बट शुरुआत वहां से हुई थी। बट मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आज भी एक भी टेनिस प्लेयर पुराना मिलता है या क्रिकेटर मिलता है या स्नूकर प्लेयर्स मिलते हैं, जी जो रेडियन ने काम किया था इंडिया में, वो आज भी वो जज्बा मुझे किसी में नजर नहीं आता है। दुख होता है, बट वो जज्बा जो रियल है, और आज भी इस क्रिकेट के शौक के साथ, इस स्पोर्ट्स के शौक के साथ, हमने कोई पैरा एथलीट्स, टॉप 10 पैरा एथलीट्स इंडिया के, उनको अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें सुंदर गुजर वर्ल्ड नंबर 2 है, विनय जी लाल रनर है, ये फिजिकली चैलेंज्ड एथलीट्स हैं। और एक फिल्म बन रही है चल जीत ले जहां, जी जो विकास कपूर ही डायरेक्ट कर रहे हैं, और उनको लिटरली मैंने फोर्स ही किया है कि आप डायरेक्ट करो, बिकॉज मैं हमेशा इंस्टिंक्ट पे गया हूं और मेरी इंस्टिंक्ट ने कभी भी फेल नहीं किया, क्योंकि मुझे जी पता है वो इंस्टिंक्ट जो है वो परमात्मा की है। आज भी वो जो है इंस्टिंक्ट है, और जो पुराने लोग आते हैं कहते हैं कि आपने जो जो किया आज कोई नहीं कर सकता, जरूर खुशी जरूर होती है, बट आज वो जर्नी स्पोर्ट से निकल के एक दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां पर करोड़ों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आज साईं बाबा के भक्त हो गए हैं, और इतने लोग, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जिनके फोन आते रहते हैं बाहर से, वो आज अटैच होते हैं। तो ये शायद पुराने जन्मों का कोई लेखा जोखा होता है जो आपको जिंदगी में, बट बहुत कठिन है जर्नी, बट बहुत एवरी डे एवरी मोमेंट इज न्यू, बिकॉज अगर कोई कैंसर पेशेंट कहीं से ठीक हो जाए आपकी वाणी से, या कोई सिरोसिस से बाहर निकल जाए, कोई पैरालिसिस से निकल जाए, और इतनी माएं आपको दुआएं देती रहे, और जो आज संस्थान काम कर रही है, जो हमारी संस्थान है शिर्डी साई बाबा संस्थान, जी
जो काम कर रही है गाय सेवा, फिजिकली चैलेंज पीपल, लेपर्स, चुपचाप काम कर रही है विदाउट एनी गवर्नमेंट एड. एंड आई फील ब्लेस्ड दैट ही हैज टेकन मी अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड वॉन्टिंग टू डू वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी. वो आप तब तक नहीं कर सकते, और इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि जीसस को जब तक 50 लोग नहीं बोले या 100 लोग नहीं बोले कि यस यू आर द चोजन वन ऑफ गॉड, ही कैन नॉट गो एंड से टू समवन आई एम द चोजन वन. नीदर मोसेस बोल सकते हैं. इवन कृष्ण को एहसास राधा ने और बहुत दुनिया के लोगों ने दिया कि ही वॉज अ स्पेशल सोल. तो जब ये एहसास आपको हजारों लोग देने शुरू कर देते हैं, देन आप यू नो लॉन्गर फील दैट यू आर अ ह्यूमन. यू फील दैट आपकी पैदाइश किसी कार्य के लिए हुई है. इसमें विकास का बहुत बड़ा हाथ है, और आज भी हम बहुत काम करते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने मंत्र चांट कर रहे हैं, फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, बट जो सीख मुझे परमात्मा की उनसे मिली, और ऐसे 12-15 लोगों से और मिली, वो बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है. जी सर, मैं कुछ कमेंट आए पढ़ देता हूँ, इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है. अतुल श्रीवास्तव दादा हैं, बहुत बड़े एक्टर है, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं. उग्रसेन तबर जी नमस्कार कर रहे हैं. अनिल रंजन मोहम्मिक जी नमस्कार कर रहे हैं. अभिजीत शिंदे जी ओम साई राम बोल रहे हैं. राजेश सिंह जी भी नमस्कार कर रहे हैं. जगमोहन रावत जी नमस्कार कर रहे हैं. सुशील शुक्ला जी आपको नमस्कार कर रहे हैं. संतोष रस्तोगी जी नमस्कार कर रहे हैं. सतीश आनंद जी आपको नमस्कार कर रहे हैं. काजल चौधरी जी नमस्कार कर रही हैं. सुधीर मौर्य भी नमस्कार कर रहे हैं. गीत जी नमस्कार कर रहे हैं. पीके हिंदुस्तानी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं. विकास सैनी नमस्कार कर रहे हैं. माही त्रिपाठी जी नमस्कार कर रही हैं. रितु सिंह नमस्कार कर रही हैं. आशीष लाल यादव जी नमस्कार कर रहे हैं. और अभिषेक जायसवाल ओम साई राम बोल रहे हैं. श्रोमी जी भी आपको ओम साई राम कह रहे हैं. तो सर आपके लिए एक सरप्राइज है. स्वागत है सर आपका. अरे वाह. आप जिनका नाम ले रहे, जितनी तारीफ कर रहे थे, वाकई में विकास सर के साथ मैंने भी काम किया, 2 प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया, और कोई लाज मतलब बेहतरीन इंसान और कलम में ताकत और सब कुछ है वाकई में. तो विकास सर स्वागत है आपका. बात कलम में ताकत की नहीं है, बात है हर 15 दिन के बाद विकास जी और हमारी कुछ ना कुछ बाताबाती हो जाती है. जी 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 बाताबाती वो इसलिए करते हैं, वो हमारा हित चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो ये चाहते हैं कि जिस आदमी को भगवान ने पकड़ लिया है, परमात्मा ने पकड़ लिया है, वो छोटी छोटी त्रुटियां भी ना करे. उनके सामने मैं कभी भी नहीं हाँ करता, कभी भी नहीं करता, बट फॉलो वही करता हूँ जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका भी दिमाग चढ़ जाएगा विजय भाई, मगर उनको पता है कि मेरे से काम कैसे लेना है उनको. जी 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 स्वागत है विकास. मैं आपको बहुत देर से सुन रहा था, औशिम जी को सुन रहा था, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हुआ क्या एक्चुअली जीवन में क्या होता है कि आप हम लोग जिस फील्ड में हैं, एवरीडे 1000-2000 लोगों से मिलते हैं, शूटिंग में चले जाओ 500-700 लोग अपने आप चले जाते हैं. जी जी. लेकिन कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपकी सोच को इफेक्ट करता है, जो आपको समझाता है कि ये आदमी जो मिला है ये आपका बहुत लंबा साथी है. बिल्कुल. और मेरा मानना ऐसा है, और कुछ किन उपनिषद और कुछ उपनिषद हैं ऐसे जो ऐसा मानते हैं, जो मुलाकात यहाँ पृथ्वी पर होती है वो कुछ दिन पहले ऊपर हो चुकी होती है. तो जब मैं पहली दफा औशिम जी से मिला, तो एक बहुत दिलचस्प वाक्या है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ शेयर. बिल्कुल बिल्कुल. और वही वो मुलाकात ने मुझे पूरी जिंदगी एक बंधन में बांध दिया. सच है कि हम लोग आपस में बहुत नोक झोंक करते हैं, काफी लड़ बिगड़ लेते हैं,
लेकिन हमारे रिश्तों पर, हमारी दोस्ती पर कभी कोई फर्क नहीं आता है। एक जो अपनत्व है, एक भाईचारा है, वो हमेशा वैसे ही रहता है। हम लड़ते भी हैं, दो दिन कुड़ते भी हैं। इवन आपको आश्चर्य होगा कि जब हमारी और इनकी लड़ाई होती है तो हमारी मिसेस बोलती है देवरानी जिठानी का झगड़ा शुरू हो गया। क्या बात है। लेकिन फिर हम अगले दिन आपस में वैसे ही बात करने लगते हैं। उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। मुझे लगता है कि वो स्टोरी हम आपके सारे दर्शकों को जाननी चाहिए। जो मेरे मन में है बिल्कुल, क्या बिल्कुल, मेरा एक शो बहुत हिट उस समय चल रहा था दूरदर्शन पे, ओम नमः शिवाय जी। और मैं उस शो को लिख रहा था, सुपर हिट शो था। उसमें दीपक बलराज विज साहब की जो वाइफ है किशोरी शाहणे, उसमें एक्टिंग कर रही है। सर थोड़ा सा राइट आ जाइए अपने, सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा हाँ इधर, हाँ ओके परफेक्ट परफेक्ट जी। तो किशोरी शाहणे जी उसमें एक्टिंग कर रही थी। किशोरी जी का एक दिन मुझे फोन आया कि विकास जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोले ऐसा है कि मेरे हस्बैंड एक फिल्म बना रहे हैं और प्रोड्यूसर साहब भी दिल्ली से आए हुए हैं, तो आप अगर कल 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाएं, मेरे हस्बैंड के ऑफिस, तो मुलाकात हो जाएगी जी। तो फिल्म तो मुझे भी लिखनी थी, उस समय तक टीवी टीवी लिखा था, पहली फिल्म थी मेरी। मैं सुबह 11 बजे उनके ऑफिस पहुंच गया। वहां पे दीपक थे, किशोरी थे और औशिम जी बैठे हुए थे। तो बातचीत शुरू हुई, चाय वाय हुई, और उसके बाद मैंने कहा भाई आपका विषय क्या है? तो मुझे बताया गया कि ये विषय साईं बाबा है। और मैं थोड़ी देर तक बात सुनता रहा। उसके बाद मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई मैं इस विषय पे फिल्म नहीं लिख पाऊंगा। तो पता नहीं दीपक को ऐसा फील हुआ कि शायद पैसे की वजह से बोल रहे। तो उसने कहा पैसे की चिंता मत करो, पैसे की बात नहीं है दीपक, मैं इस विषय पे जानकारी नहीं रखता हूं। मैं नॉर्थ इंडिया से पला बढ़ा हूं, अभी तक एक बार बाबा के दरबार किया हूं, मैं कैसे उनके ऊपर फिल्म लिख पाऊंगा? आप गणेश जी को बोलिए, शिव जी को बोलिए, माता रानी वैष्णो देवी को बोलिए, जय दुर्गा माता को बोलिए, राम पे बोलिए, कृष्ण बोलिए, हनुमान बोलिए, मैं सब पे लिख दूंगा, लेकिन ये विषय मेरे लिए छूटता है, मैं इसमें काम नहीं कर पाऊंगा। बात हो गई, मैंने इजाजत ले ली, मैं उठ के चलने को हुआ और ये आदमी औशिम खेत्रपाल से मेरी पहली मुलाकात, ये दरवाजे के पास में पहुंचा, पहला लफ्ज ये क्या बोलते हैं? विकास। और इसी मतलब इससे भी शायद टफ लैंग्वेज रही होगी, मैं एकदम चौंक के रुका कि कोई भी अपनी इंडस्ट्री में राइटरों से ऐसे बात नहीं करता है। इतने इन्होंने गलत ढंग से बोला विकास। मैंने कहा हाँ, मैं पलट के आया ऐसे खड़ा हुआ, यह फिल्म तुम लिखोगे? और ये बाकायदा उंगली दिखा के मुझे ऐसे बोल रहा है ये फिल्म तुम लिखोगे। मैं एकदम शॉक। तब तक किशोरी ने मेरे कंधे पे आता, कह रहे विकास जी छोड़ दिया, चलिए चलिए आप चलिए। मैं बाहर आ गया, मुझे लगा कैसा आदमी है इसको। बोले नहीं नहीं वो फिल्म से नहीं, पहली बार फिल्म बना रहे, हो सकता है थोड़ा गलत ढंग से बोल दिया, मैं सॉरी बोलती सब करके हम गाड़ी में बैठे अपने घर चले आए। मैंने आके अपने मिशन से कहा कि आज दिल्ली से एक प्रोड्यूसर आए थे, उनका नाम था मिस्टर औशिम खेत्रपाल, बहुत गलत ढंग से बात की। वाइफ ने कहा छोड़ो ना, तुम अपने काम में लगो, काहे को तुम लेके बैठे हुए हो। बात आ गई हो गई साहब। और मैं नॉर्मली अपनी जिंदगी में 3, 3:30, 4 बजे रात में सोता हूँ, क्योंकि मैं राइटिंग वाइटिंग करता रहता हूँ। तो उस दिन जब मैं सोने आया तो 15 से 20 मिनट बाद मेरी जैसे ही नींद लगी, मेरा जो बंबई में घर है उसके हॉल में मैं सपना क्या देख रहा हूँ कि बाबा मुझे सटका लेके दौड़ा रहे हैं। और पूरे हॉल में मैं भाग रहा हूँ, बाबा ने एक हाथ से कफनी पकड़ी, एक हाथ में डंडा उनका उठाया हुआ है सटका, और वैसा लगा अब गिरा तब गिरा, अब गिरा तब गिरा। मैं बिल्कुल परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो मार देंगे मुझे। और एक पोजिशन ऐसी आई कि मैं सोफे पे गिर गया और मुझे ऐसा लगा डंडा पड़ा, तो मेरे मुंह से चीख निकली बाबा, और इस चीख से मेरी पत्नी की नींद खुल गई। उसने मुझे झकझोर जगाया, मेरा पूरा शरीर पसीने में लथपथ, और उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ और बाबा मार रहे थे मुझे। तो मेरी पत्नी ने पहला लफ्ज, विजय जी सुनने वाली बात, उसने बोला तुम बाबा की फिल्म नहीं लिखोगे तो डंडा ही मारेंगे ना तुम्हें। क्या बात, क्या बात। और मैंने घड़ी देखी, उस समय एग्जैक्ट 4 बज रहा था। आप बिलीव करिए, आप किशोरी से पूछिए, मैंने मेरे पास औशिम जी का उस समय नंबर नहीं था, मैंने 4 बजे रात में किशोरी शाणे को फोन लगा दिया। किशोरी नींद में झूमती हुई, हाँ विकास जी क्या है? मैंने कहा मुझे अभी मिलना है। बोली अभी नहीं, आप आ जाओ ना 10 बजे तक आ जाओ, औशिम भी आने वाले हैं। मैंने कहा मुझे मिलना है, मेरे से बहुत बड़ा कुछ मिरेकल हुआ है। तो बोलती क्या? मैंने अभी नहीं बताऊंगा, आके बताता हूँ। मैं 10 बजे इनके ऑफिस पहुंचा, औशिम जी भी बैठे हुए थे, दीपक भी था, और मैंने इनको कुछ नहीं बताया सर। मैंने इनसे पहला लफ्ज पूछा कि कल वो जो उंगली दिखाई थी आपने वो क्या थी? आपने वो जो मुझसे गंदे ढंग से बात की थी क्यों की?
इन सबको ऐसा फील हुआ कि मैं झगड़ा करने आया हूं जी। बट औसिम जी बिल्कुल शांत थे, बोले बात क्या है। तो मैंने बात यह है कि मुझे बाबा ने ऐसे ऐसे सपना दिया है और मैं ये फिल्म लिख रहा हूं, बट मुझे ये जानना है कि क्या बाबा का मिरेकल, बाबा का आदेश कल से ही शुरू हो गया था, उसके मीडियम आप थे जी। तो इन्होंने कहा मैंने उंगली दिखाई नहीं, आज तक ये नहीं कहते कि मैंने उंगली दिखाई, आज किशोरी गवाह है, दीपक गवाह है, और ये कहते हैं साहब मैंने तो उंगली दिखाई नहीं। अब मैं समझ गया कि बाबा ने इस आदमी को अपना मीडियम बना लिया है, बाबा इसके थ्रू ही जिंदगी में आगे लोगों को मिलेंगे, मैसेंजर बनाएंगे इनको और इनके थ्रू लोगों तक पहुंचेंगे। उस दिन मैंने गांठ बांध ली कि ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है जिसको साईं बाबा ने अपना मीडियम बनाया। उस समय ये बहुत बचकानी बात लग रही थी विजय भाई, ये बात बहुत मुझे ऐसी लग रही थी, इनको खुद भी फील नहीं हो रहा था, किसी को फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने एक साथ जर्नी शुरू की, साईं बाबा फिल्म बनी, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, फिर हमने साईं भक्तों की सच्ची कहानियां बनाई, देन काफी टाइम हम लोग का एक साथ बीतता था, हम लोग बैठ के चर्चा करते थे, मेरे ऑफिस में बैठे रहते थे, वहां बाबा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उस मूर्ति के पास बैठे 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 हम लोग ने एक साईं बाबा फाउंडेशन बनाया। औसिम जी को बहुत था कि मैं कोई ऐसा ट्रस्ट बनाऊ जिससे बाबा की सेवा हो, लोगों की सेवा हो, तो वो ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बना और धीरे धीरे औसिम जी के पास लोग आने लगे अपनी तकलीफें लेकर, और ये जो बोल देते थे वो सच हो जाता था। मैंने कम से कम अपनी लाइफ में कम से कम 10,000 लोगों को देखा, सॉरी, जिनके बारे में इन्होंने बोला कि भाई ऐसा तुम्हारा हो जाएगा, और वो वैसे ही हुआ। ये नॉर्मली बोल देते थे कि यार विकास आज ना ये फिल्म देख लेना हिट हो जाएगी, वो फिल्म हिट हो जाती थी। ये किसी के लिए बोल देते थे इस आदमी का तो देख लेना बड़ा लंबा करियर निकलने वाला है, वो हो जाता था। इनिशियल मैंने इनको जब ऐसे पकड़ना शुरू किया, सेम टाइम इन्होंने एक शो शुरू किया साईं की महिमा, जो बहुत सारे वेरियस चैनल्स पे आता था, कुछ अबाउट 2000 एपिसोड्स इन्होंने उसके किए। उस शो के संग इनके संग पूरा एक जनमानस जुड़ गया, हजारों लोग आते थे, ये साईं सच्चरित से बोल देते थे तुम्हारे भविष्य में ये होगा, तुम्हारा बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, और वो वैसे ही वैसे होने लगा, तो लोगों को बिलीफ होना शुरू हुआ। फिर मुझे ये हुआ कि मैंने इस बात को बहुत पहले पहचाना था, जब मुझे मेरे संग जिंदगी में वाकया घटा था तो मैंने पहचान लिया था कि बाबा ने इनको अपना मीडियम बना लिया। आज जब मैं देखता हूं कि इनके संग, अभी मैं 5 दिन पहले भी इनके साथ ही था जी लंदन से, आप बिलीव करेंगे कि ट्रंप के ऑफिस, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस से लोग इनको फॉलो करते हैं। इन कौन सा ऐसा वर्ल्ड की कंट्री है जहां से लोग इनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों को अब बिलीव हो रहा है कि बाबा इसके थ्रू, इस आदमी के थ्रू ही मेरे पास आएंगे। तो ये पूरी एक जर्नी थी, कैसे मैं इनसे मिला और कैसे क्यों जुड़ा रहा। तो वो उसके बीच में मैं हमेशा इनसे एक बात बोलता हूं कि हमारे और आपके बीच में एक डोर है, उसका नाम है साईं बाबा। वो इतनी मजबूत डोर है कि वो कभी टूटी नहीं सकती है जी। तो ये हैं औसिम खेत्रपाल जी, बाकी इनके काम तो पूरी दुनिया में प्रचलित है, अगर गूगल में सिर्फ नाम लिख दे तो 150 पेज खुल जाते हैं इनके। बट जो मेरा अनुभव है वो ये अनुभव है कि एक आदमी इस समय इस पृथ्वी पर, इस धरा पर है जो आपको बाबा तक पहुंचाने का माध्यम, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा इनका कोई परिचय मैं नहीं जान सकता। कोई हम कोई कुछ बोलना चाहेंगे विजय जी? बिल्कुल सर, बोलिए जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हमारे ऊपर कोई 48 किताबें लिख दी गई हैं जी, मगर विकास जी ने एक बहुत बड़ी किताब लिख रहे हैं, कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, और वो किताब मैं इतना वेट कर रहा हूं। सर आपकी जो सर जो आपकी जो पहली पोजीशन तो अच्छा था, आपका फेस बहुत क्लियर आ रहा था, पीछे थोड़े लाइट का ब्राइटनेस आ रही है। हाँ जरा कुछ वो बैटरी का प्रॉब्लम आया है। एनीवे कोई नहीं, ठीक है ठीक है। अभी जो इन ये किताब लिख रहे हैं, क्योंकि इनने आपको दूसरा परिचय नहीं दिया, अभी जो फिल्म कर रहे हैं चल जीत ले जान जी, मतलब वो फिल्म जो है, बाबा हमेशा विकलांग को बहुत अहमियत देते थे जी, और ये फिल्म हमें कोई सोच ही नहीं सकते थे कौन आदमी को डायरेक्ट करें, और बहुत देर के बाद इनने हाँ करी कि मैं करूंगा जी। आज वो फिल्म पर्दे पे आएगी और जरूर, क्योंकि वो मैसेज ही साईं बाबा का है, और जब आप वो देखेंगे तो आप देखेंगे फिल्म के अंदर के
बाकी हमारा जीवन तो बहुत आसान है। और दूसरी जो फिल्म बना रहे हैं आज, हमारे जीवन के ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं, वो जी फिल्म जिस ढंग से एक लेखक पेश करता है, वहां पर लेखक नहीं पेश कर रहा है, वो पेश जैसे कहते हैं साक्षात बाबा ही करा रहे हैं। जी तो अब रिश्ता ऐसा ही है, 15 दिन के बाद थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, फिर 16वें दिन सुबह सुबह, अच्छा तुम ठीक हो, उठ गए हो, अच्छा। क्या बात बट एक चीज है, देखिए, जी हमेशा आपको अगर जिंदगी में कहीं पहुंचना है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, उनको 4 व्यक्ति ऐसे जरूर होने चाहिए उनके, जो उनको पॉइंट आउट करते रहे कि उनका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल इनने कभी भी जिंदगी में पर्सनल क्रिटिक कभी नहीं बने, ये क्रिटिक बने तो फॉर द हित ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि 14 साल मैंने बोला क्या है, बोला तो इन्हीं के शब्द है ना, बिल्कुल और आज भी मैं इनको जो पदवी देता हूं कि इनसे बड़ा राइटर इंडस्ट्री में, बहुत राइटर आए, इनसे बड़ा राइटर शायद इंडस्ट्री बहुत सालों तक नहीं देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट और ये दिल से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इनके वर्ड्स, इनके डायलॉग्स मैंने बोले हैं, जी बहुत चीजें मैंने अपने टॉक शोज पे लाइव बोली हैं, जो वो टाइम के एक्सपीरियंसेस थे जब हम कमरे में बैठते थे, क्या बातें करते थे, और वो बातें सच होती थी। उस टाइम सच नहीं थी, बाद में तो सच हुई लोगों के साथ। तो अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि हमारा हर थर्सडे को एक वेबिनार होता है, जी वेबिनार में एक लेडी है प्रणाली करके, बंगाल से, इट्स थर्सडे की बात है। तो वेबिनार में कोई 60-65 पीपल वर देयर वर्ल्ड वाइड, जी एंड मैं प्रणाली को, जैसे पहले दिन फोन आया तो हमने बोला, प्रणाली को, आप बंगाल से हैं, आप किताब लिखिए बाबा के ऊपर। अब वो लिखी, उसने किताब कंप्लीट कर दी, तो उस दिन वेबिनार ज्वाइन करके बोली कुछ नहीं। जब वो किताब कंप्लीट हुई, कहती कि औषम जी, मैं आपको इसलिए अब फोन कर रही हूं, पूरे 1.5 घंटे के वेबिनार में मैंने कुछ नहीं देखा जहां पर आप थे, मैंने खाली बाबा को देखा और ज्योत जलते हुए देखा। क्या बात है, क्या बात ना ना ना, मैं इसका अभी पीछे बता रहा हूं, वो तो उसको देखी, जी वो उसकी आस्था, उसने मेरी शक्ल ही नहीं देखी, खाली वहीं पर वेबिनार में वो दिख रही। जी मगर हमें विकास जी की बात याद आई, ये बात है 2006 की, 2007 की शायद, सोनी पे टीवी पे शुरू होने वाला था। तो जब उनने बोला था हमें कि जब किसी व्यक्ति से, नॉर्मल व्यक्ति से कोई आदमी कार्य करता है, तो वहां पर उसको ज्योत दिखती है, ज्योत दिखती है, या उसको ऐसा इंडिकेशन आता है। वो मैंने जी उसको बोला रात को, कल रात को ही बात हुई उससे, कोई आधा घंटा बात हुई, और उसके भाई इंडिया के बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, थे, जिनकी डेथ हो गई, जी तो जी उनसे ऐसे ही बोला, मैंने कहा ये बातें मैंने महसूस करी और मैंने सुनी है, तो शायद बाबा आपको इंडिकेशन दे गए कि बंगाली में अब मुझे, अब बंगाली के ग्रंथ मेरे साथ लिखने लिखे चाहिए, तो दिस इज अ ग्रेस। तो ऐसे छोटी छोटी शिव जी की कथाएं और बहुत चीजें जो सीख मिली, उसको आप एनालाइज करके जब आगे चलते हैं, तो लोगों का बहुत बहुत भला होता है। जी 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 विकास सर, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं सर से। नहीं, मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा औषम जी से एक दो चीजें, कि जी जिस फील्ड में ये थे स्पोर्ट्स में, और इंडिया के टॉप रेडियंट जो स्पोर्ट्स था इनका, वो इंडिया के टॉप इवेंट कंपनी थी, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे थे लोग, और पूरे जी वर्ल्ड में इनका नाम था, उस फील्ड से में रहते हुए क्या इनको कभी ऐसे आभास, ऐसे एहसास हुए कि इनको गॉड अपनी तरफ खींच रहा है, या कभी उनको ऐसा फील हुआ कि गॉड इनको अपना मीडियम बना रहा है, साईं बाबा इनको अपना, भी कभी ऐसा फील हुआ क्या? नहीं, कभी फील नहीं हुआ, बट एक चीज जरूर थी, इंस्टिंक्ट हमेशा थी। जैसे गीत सेठी हार रहा है फाइनल, तो मैं बोल देता था कि आज तू ही जीतेगा, माइकल फेरेरा को, मार्क फेरेरा को, छोटी छोटी चीजों में बोलता रहता था प्लेयर्स को, और वो बात सच हो जाती थी।
जैसे ब्लाइंड ब्लाइंड लारा को बोल दिया कि आज तुम 35 भी नहीं बनाओगे, वो 28 पे आउट हो जाएगा, या बहुत ऐसे ऐसे मैंने चीजें करी कि जो हुई, तो वो इंस्टिंक्ट जो होती है वो परमात्मा की दी होती है, बट वो इंस्टिंक्ट को जो एक आदमी नास्तिक हो, नास्तिक एग्जैक्टली नहीं, हम भगवान को मानते थे बट कभी भी ये नहीं कहे कि जाओ बिकॉज देखो उस टाइम मंदिर जाते ही घृणा होती थी, तो उस आदमी को बदलना और उस आदमी से आध्यात्मिक बात करना एक 360 डिग्रीज है। तो मतलब जी आपको कभी ये फील हुआ कि ये क्यों आपके संग ऐसा हुआ कि बाबा ने आपको ही चूज किया? ये मुझे आज भी नहीं पता, और ये मुझे सच बता रहा हूं आज भी नहीं पता लोग ठीक कहां से हो रहे हैं। हमारे साथ इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि हम शो कर रहे हैं, लोग हमारी लाइफ पेंटिंग बाबा के साथ बना रहे हैं, कुछ हम विकास जी नहीं मंत्र करें ओम नमो शिवा का, कितने घरों में वो मंत्र चलते जाते हैं, लोग क्या क्या बोलते रहते, हमें विजय इसका जी, कोई फर्स्ट आंसर टाइम हम नहीं है। लोग, हमारा जो फाउंडेशन है शिरडी साई बाबा फाउंडेशन, वो जी फाउंडेशन 38 मंत्र निकाल रहा है, जिसमें से हम लोग अभी तक कुछ 18 मंत्र जो है रिकॉर्ड कर चुके हैं और मार्केट में आ चुके हैं। वो अभी चूंकि लॉकडाउन आ गया, इसलिए हमारी स्पीड और हमारे काम में थोड़ा इफेक्ट आया है। आफ्टर जी लॉकडाउन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये 38 मंत्र का पहली बार कोई ऐसा, मतलब जो देवता हैं जिनके आप मंत्र करते हैं, ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सबके ऊपर हम लोग मंत्र कर रहे हैं। और मंत्रों को हमने बहुत डिफरेंट स्टाइल में, बहुत अलग तरीके से कंसीव किया। औषधीम जी ने ही सारे मंत्र जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और बहुत जी अच्छे गाए हैं। अमर प्रभाकर देसाई हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, काफी क्राउड और काफी कोरस के संग हमने इसको रिकॉर्ड किया है। तो और इन मंत्रों का जो प्रभाव है, उस जो हमने आपको बताया था व्हाइट हाउस में कोई लेडी है, शायद औषधीम जी बेटर बता पाएंगे, उन्होंने ओम नमः शिवाय का मंत्र ही सुना तो उसके बाद इनकी मुरीद बन गई और जी रेगुलर इनके टच में रहती है, हमेशा इनको मैसेजेस करती रहती है। तो ये हम लोग एक मंत्र की पूरी सीरीज बना रहे हैं, चल जी जीत जहाँ का औषधीम जी ने बताया, जिसमें पेंडिंग हमारा प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, 40% लगभग शूट कर चुके हैं और बाकी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं साथ में। एक औषधीम जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके विषय में मैं चाहूंगा जरूर आपकी ऑडियंस जाने। जी आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इनके मन में ना विकलांगों के लिए सच में बहुत बड़ी भावना है। बांझ जो गाय होती है, बांझ गाय जो कुछ नहीं कर जी सकती है, जिसका जीवन समाप्त हो चुका है, जिसको दूध नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वैसी बहुत सारी गायों को लेकर इन्होंने गौशाला बनाई है और बहुत बड़ी गौशाला। मैं चाहूंगा औषधीम जी उसके बारे में थोड़ा सा जरूर यहाँ पर बोले। ये गौशाला उज्जैन में है, 450 बांझ गाय से शुरू हुई थी, आज 750 गाय हैं, और बहुत बड़ा कैंपेन संस्थान ने शुरू किया है कि 3 साल में 10,000 बांझ गाय की सेवा करेंगे, उसके गोबर से अगरबत्ती बनेगी, और ऑलरेडी अभी 114-114 मेंबर हैं जिन लोगों ने इनरोल कर दिया है, और जिस ढंग से वो मूवमेंट चल रही है गाय सेवा, इतनी बड़ी सेवा है कि आपके जितने भी कष्ट होते हैं ना, आधे से ज्यादा कष्ट तो वो गाय सेवा से ही पूरे हो जाते, और वही गाय सेवा से, वही गोबर से, वही उपला से बाबा की विभूति भी निकलती है। गाय की सेवा आप वैसे ही करेंगे तो आधे से ज्यादा कष्ट निकल गए, और जो बांझ गाय की सेवा है वो इतनी बड़ी है कि बांझ गाय दूध दे नहीं सकती, वो बांझ गाय की सेवा जो सड़क से ला के हम गौशाला में रखते हैं, वो सेवा जो है वो सेव मेंबर्स आज संस्थान के जुड़े हैं उसके साथ। 10,000 जी जिस दिन गाय हो गई तो एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो गया, और लोगों के मन में आएगी बात कि हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, और भारत में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। दूसरी बात, बहुत चीजें अजीब अजीब बात जिसके लिए बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी शुरू हुई थी, हमने संस्थान में शुरू किया था कि ईंट दान करो, शिरडी तक लोगों ने ऑब्जेक्शन कर लिया कि ईंट दान क्यों करो, हमने ईंट दान करने के लिए जब उसको बताया कि ईंट के अंदर बाबा के प्राण थे,
और उसके साथ उनको साई चरित्र जाता था, 500 रुपए की ईंट दान करते थे, साई चरित्र जाता था, बाबा की सीढ़ी जाती थी और उदी जाती थी। तो जब उन लोगों को बताया गया कि इसके अंदर बाबा के प्राण थे, तो आप जब दान करोगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा, उस ईंट दान से इतने लोग दुनिया के ठीक हुए, इतने लोग ठीक हुए। और 2012 के बाद तो कोई भी मंदिर इंडिया में बना ही नहीं जिसमें ईंट दान ना हो, वो ईंट दान से ही बोलते थे, अच्छा भाई साहब आपके 3,000 ईंट आ गए, आपके 4,000 ईंट आ गए। मगर ये शिरडी में कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो जी तो बाबा जो भी बात बोलते ना वो पहले 15 years अहेड बोलते थे, 10 साल पहले। ऐसे बहुत चीजें हुई हमारे साथ तो, बट एक बात मैं बातें और यहाँ बिल्कुल सही पे है। विजय जी आपको बताना चाहूंगा कि जी जी शायद सर जी हमारे देश के बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, पर ये सच है और ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बात मैं कहने जा रहा हूं कि बांझ गाय हो या दूध ना देने वाली गाय हो, हम लोग बहुत सारे आजकल अखबारों में न्यूज में आ रहा है कि गाय को जी जो है वो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए और कुर्बानी देने के लिए वो लोग उठा रहे हैं। उन सबके लिए मैं ये मैसेज इस आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ कि जी चाहे बांझ गाय हो, चाहे दूध ना देने वाली गाय हो, बूढ़ी गाय हो, उसको ले जाकर किसी बंजर जमीन पे बांध दीजिए, सिर्फ 1 महीने, 1 महीने तक उसको उस बंजर जमीन पे रखिए और उसका गोबर वहीं गिरने दीजिए, जो वो गोबर कर रही है उसको उसी मिट्टी पे जाने दीजिए, 1 महीने के अंदर वो जन्मों जन्मों की बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। क्या बात, ये क्या बात, वैज्ञानिक बहुत अच्छी प्रमाण है, बात बताई, ऐसे नहीं बोल बहुत रहा हूं, अच्छी बात, वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रमाण है, प्रमाण है कि बंजर बिल्कुल जमीन उस गाय के, बांझ गाय के या दूध ना देने वाली बूढ़ी गाय के गोबर से वो जमीन उपजाऊ हो जाएगी, उसमें खेती की जा सकती है, उसमें फसल उगाई जा सकती क्या बात, बहुत बढ़िया। है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको सुने जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, और भी लोग जाने कि गाय को अगर आप मार रहे हैं तो आप अपने भविष्य के लिए, अपने भोजन का जो आपका साधन है उसको समाप्त कर रहे बिल्कुल बिल्कुल जी हैं। तो अश्विन जी गाय की सेवा कर रहे हैं, भांज गायों की सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई सत्कर्म पुण्य कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सरप्राइज और है, विकास सर आप भी रहिए, मैं चाहता हूं अच्छा कि सर के साथ हम, जी, नमस्ते पीयूष जी, आवाज आ रही है पीयूष जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है मेरे को, पीयूष जी चेहरे पे बहुत अंधेरा है। और चेहरे पे बहुत अंधेरा है पीयूष जी, आप पहचान में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आई थिंक सो, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, जी 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 बट बिल्कुल, जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब तक मैं, अतुल दादा ने भी कुछ कमेंट्स पढ़ा है, कुछ लिखा उन्होंने, अतुल श्रीवास्तव दादा ने लिखा है कि बहुत बढ़िया, विकास भी शुरू से ही ब्लेस्ड रहे हैं, उनकी ही माँ का आशीर्वाद है। थैंक यू अतुल भाई, कैसे हैं आप? और रवि यादव जी भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत। और अभिजीत शिंदे जी लिखते हैं कि साई बाबा मूवी इज माई फेवरेट मूवी, यूर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मूवी आई एम इन टच विथ बाबा, आई वॉज रीड द साई चरित्र ऑफ क्या, हिमांडपल हेमंत जी, पंत जी, जी हिमांडपल जी, आल्सो जी जी थैंक जी जी यू, आल्सो, ओम साई राम। ओम साई राम। यशवंत सिंह जी भी नमस्कार कर रहे हैं, राजीव खान भी नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार राहुल नमस्कार निगम जी आप, नमस्कार कर रहे हैं, और नमीन दास चीमा जी नमस्कार कर रहे हैं, सुधीर मुरैया जी नमस्कार करें, प्राउड विकास जी लिखते हैं कि विकास जी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सुधीर भैया। जी, पीयूष जी आप, आई कैन हियर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, ओम साई राम औषम जी, एंड इट्स ग्रेट टू बी एसोसिएटेड विद औषम जी। हम लोग को कितने साल हो गए, 2009 में व्हेन आई वाज विद आईटीसी, और पहले बार तो एक तो मतलब साइंस देयर इन माय लाइफ, साइंस जैसे कहते नहीं, पूरा मन से लेके शरीर में और आत्मा में पूरे साइंस बसे हुए हैं,
बिकॉज कुछ भी होता है विदाउट साइंस परमिशन आई डोंट डू एनीथिंग, जब भी कुछ करना होता है जाते पीयूष जी, पीयूष जी, पीयूष जी थोड़ा सा मैं रुकूंगा आपको, आपका फेस एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है और अगर हेडफोन लगा लें तो और अच्छी आवाज आएगी, या कैमरे के पास रहें थोड़ा। ठीक है हेडफोन ओके, गिव मी 2 मिनट्स, तब तक आप लोग कंटिन्यू करिए, आई विल जस्ट गेट माय हेडफोन्स, ठीक है 2 मिनट्स जी 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 जी, और थोड़ा सा लाइट का भी देख लीजिएगा जी। विकास सर मैं फिर से लेता हूँ पीयूष जी को लाइन पे। जी 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 जी, कुछ और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं सर। औशिम जी से क्या प्रश्न पूछने हैं, तो खुद ही इतनी सारी बातें बता देते हैं। और आजकल फाउंडेशन बहुत संस्थान जो है हमारा साईं बाबा शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन, वो काफी चीजों पे काम कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि औशिम जी इसमें फाउंडेशन के विषय में थोड़ा बताएं और थोड़ा सा बाबा के विषय में बताएं, वही हम चाहेंगे सुनना इनसे। जी जी प्लीज आशीष सर। संस्थान इस टाइम जब पैंडेमिक हुआ है तो पांच चीज बहुत रिलीजियसली मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं। एक है कि ये बाबा का ही कोई ग्रेस है कि संस्थान के लोग क्योंकि विभूति चाट रहे हैं, हमने कोई कम से कम 5-6 मिलियन लोगों को वीडियोस और ये सब भिजवाए हैं और विभूति चाट रहे हैं और अभी तक वो लोग कोविड से प्रोटेक्टेड है। दिन में एक बार विभूति चाटते हैं और चंद जो केसेस भी हुए हैं वो हुए हैं, वो फ्लू और दूसरा हुआ उनका कोविड नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन है। सेकेंडली जो एक थॉट उनके मन में गया है कि फेयर मत करो जी। और इस टाइम जब फेयर की दुनिया में सब रह रहे हैं कि बाबा बैठे तुम फेयर मत करो, तो वो एक थॉट एक बहुत मजबूत थॉट गया है और वो लोग उस पे उठ रहे हैं। फिर जब ये बांज गाय की जो कैंपेन शुरू करी है वो बढ़ती जा रही है आस्ते आस्ते, विकलांगों के ऊपर जो पिक्चर बन रही है ये फिजिकली डिसेबल क्रिकेट, वो बिल्कुल ही एक ऐसी पिक्चर है जो फिल्म है जो शायद अभी इंडिया ने कभी देखी नहीं, एक बहुत ही जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है, इंडिया ने कभी देखी नहीं। और विजय जी इस फिल्म में हमारे संग जो टीम है ओरिजिनल टीम है इंडिया की डिसेबल्ड पैरा क्रिकेट, उसके कई प्लेयर्स रियल प्लेयर्स हमारे संग फिल्म में काम कर रहे हैं। जी क्या बात, बहुत बढ़िया। और जी, पहली बार ये होगा कि वो क्रिकेटर्स फिल्म के पर्दे पे आपको नजर आएंगे बिग स्क्रीन पे। उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है जो लोग संस्था में जितने लोग हैं वो सवाल जवाब उनका मेन क्या था कि देखिए एक होता है एस्ट्रोलॉजर, बाबा एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, बाबा की शक्ति क्या थी एस्ट्रोलॉजी की तो नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी तो थी उनको 3 जन्म पहले 5 जन्म पहले आगे क्या होगा सब पता था मेडिटेशन के बाद। तो यहां पर जो लोग आते हैं हम चार्ज कुछ नहीं करते, इट्स ऑल फ्री, और एक आदमी जो 10 साल पुराना भी जुड़ा होता है उसकी हर प्रॉब्लम के लिए ही कीप्स ऑन कमिंग, वो कॉल आते ही रहते बढ़ते ही रहते। सो इट इज वी आर हीलिंग देम, वी आर नॉट, वी आर स्टेइंग विद देम एंड टेलिंग देम। एक डिफरेंस है, आपको पता है कि डिफरेंस एक डॉक्टर और मास्टर के बीच में क्या है? एक डॉक्टर कहता है, पेशेंट ने डॉक्टर से पूछा कि कल मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, कहता है कुछ नहीं, ये बेडशीट बदल जाएगी और एक और पेशेंट आ जाएगा। क्या बात है। तो मास्टर ने बोला बेटा मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं हूं तब संस्थान का काम यही है। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने खाली ऊर्जा दिया, बाबा ने आपको ऊर्जा दी, गुरु नानक ने ऊर्जा दी, एक लेखक क्या करता है खाली जिंदगी में ऊर्जा दे रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम लोगों को खाली ऊर्जा दे रहे। और मेरा भाग्य है, मैं सौभाग्य है कि आई हैव पीपल लाइक विकास एंड अदर पीपल हु आर देयर, जो जिंदगी में हमारे साथ उनने अपना स्वार्थ कभी नहीं सोचा, इन लोगों ने सोचा नहीं ह्यूमैनिटी की सेवा कैसी हो, और इनने हमें ही हमारी त्रुटियों को ठीक करा है। वो एक परमात्मा की देन होती है
और अगर आप समझ जाएं, जितनी जल्दी आप समझें आप ही ठीक होंगे, और आप ठीक हो गए आप दुनिया को ठीक कर लोगे। बिल्कुल 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 सही बात, बहुत अच्छी बात। तो जिंदगी में अगर आप अपने आप एहसास हो जाए आपको कि हम गलतियां कर रहे हैं, तो वो गलतियों को एक्सेप्ट करके ठीक करने, स्मोकिंग एक दिन में तो खत्म नहीं होगी, इट विल टेक अ लिटिल टाइम जी, बट उतनी देर हम लोग कुछ नहीं, हम खाली ऊर्जा दे रहे हैं कि वो, और वो ठीक हो जाते जी, और ठीक होते तो दुआएं देना शुरू कर देते, और आप जिंदगी, आपकी जीवन तो दुआओं पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक विजय जी, एकदम पूरा मतलब जी, ये एक घटना है कि जो वर्ड आज 2020 वर्ड में बहुत पॉपुलर हो गया है जी, जी, पहली बार 2020 का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो नॉर्म्स हैं वो ये आदमी मिस्टर ओशिम खेतवाल जिन्होंने सोचा, और पहला मैच 2020 का इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका, इन तीन कंट्रीज के बीच में इन्होंने ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, देन उसकी सक्सेस से उसमें शायद पाकिस्तान वो पहला सीरीज जीता था, फिर हम लोगों ने मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इसको आबू धाबी में बहुत बड़ी सीरीज 7 कंट्रीज के संग फर्स्ट 2020 इंटरनेशनल या कह लिए वर्ल्ड सीरीज ऑर्गेनाइज की, और वहां से की सक्सेस के बाद बीसीसीआई और आईसीसी ने इसको अपना पिकअप किया और आज ये 2020 इस रूप में दिखा, ये बिल्कुल ट्रुथ है। और रोशन जी इसमें चाहूंगा इस पर थोड़ा सा बताइए आप ऑडियंस को। जी जी बिल्कुल, आई थिंक रोशन जी 2004 की बात है ना अपना ग्वालियर, नहीं 2005 की बात है, उसके बाद फिर आबू धाबी का किया था, और आबू धाबी की कहानी ये है, विकास जी थे उधर, और तो आबू धाबी की कहानी ये है कि आबू धाबी में क्रिकेट स्टेडियम में दो मैच हुए थे खाली, और आबू धाबी स्टेडियम क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर था, तो 15 करोड़ की स्पॉन्सरशिप चाहिए थी उस टाइम, 15 करोड़ की 2005 के अंदर चाहिए थी, और पता नहीं इन सब लोगों को विश्वास था हम उठा लेंगे, हम तो क्रिकेट से स्पोर्ट से निकल चुके थे। इत्तेफाक से सहारा टीवी पे साईं बाबा का प्रोग्राम चल रहा था, सीरियल जो विकास जी ही बना रहे थे जी, सीरियल चला तो मैंने उनको बोला कि तुम, हम आबू धाबी का हमारे को मिल गया है तो तुम कर दो ये, और सहारा श्री ने उसको बोला कि हम इसको लाइव कर देंगे, और उन्हीं ने बोला हम अंडरराइट कर देंगे, स्पॉन्सरशिप कर देंगे, हो गया। मजेदार बात आप सुनिए, आज जो दुबई में आप देखते हैं मंदिर, साई का मंदिर, ये सब देखते हैं, पहले दिन हम जब गए तो 1000 कैसेट्स लेके गए थे साईं बाबा के, वो एयरपोर्ट पे कन्फिस्केट हो गए। हम पहुंचे, हमने उनको रिक्वेस्ट करा कि उन्होंने कहा नहीं हम नहीं निकाल सकते यहां पर, शेख नयान और बी आर शेट्टी। चौथे दिन आईसीसी वांटेड टू नो कि ये इस पूरे तामझाम के पीछे कौन है, सामने तो फेस विक्रम कौल का था, तो उनने बोला कि, शेट्टी ने बोला कि मेरे को उनसे मिलना है। शेट्टी ने देखा, जब फिल्म इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड थे, तो शेट्टी ने बोला इधर ना दिलेर मेहंदी के बहुत बड़े फैन है शेख नयान, तो मैं चाहता हूं आखिरी दिन बहुत बड़ा शो करा जाए दिलेर मेहंदी के साथ। तब तक विकास उधर पहुंचे नहीं थे, हमने विकास को फोन किया, विकास बी आर शेट्टी बोल रहे हैं, तो विकास जी बप्पी लहरी सब लोगों ने मिलके दो दिन के अंदर अलीशा चलाए, बप्पी दलेर मेहंदी चलाए, अपैची इंडियन दलेर मेहंदी, अपैची इंडियन सब लोग हम इकट्ठे, दो दिन में विद इन टू डेज, क्या बात क्या बात, और उनका वीजा लग के वहां पहुंच गए। आखिरी दिन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था, और अगले दिन ये इवेंट था, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, अंडर 19 का फाइनल होना, भाई साहब क्राउड नहीं आता है, खचा खच स्टेडियम पैक, पूरा स्टेडियम भरा था, जितने लोग अंदर थे उससे आधे लोग बाहर खड़े थे। मगर बहुत अजीब बात है, शेख रयान जिनका राज्य है वो, उनने जब देखा कि, उनने जब हमें बुलाया और उन्हें बोला कि मैं भी साईं बाबा को सुना है, मैंने भी देखा है, तो उनकी एक वाइफ ने हमें पहचान लिया, शायद स्टार टीवी पे उन्होंने हमारी फिल्म देखी थी,
जी तो शेख नयान ने एक फोटो दे दी और फोटो में वो सत्य साईं बाबा के पैर पे बैठे हुए थे और अमर सिंह उनको वहां पर ले गए थे। तो कहता है मैं भी इन साईं बाबा के बारे में पता करना चाहता हूँ। मैंने कहा पता तो बाद में करिए, वो कैसेट्स कन्फिसिकेट कर दिए वो तो निकालता। क्या बात है, क्या बात है। अब बी आर शेट्टी बोले कि भाई साहब आपसे मैं थोड़ी सी बात करनी है, ये जितने भी जो केरलाइट्स और हैदराबाद से लोग आए हैं ये साईं संध्या करना चाहते हैं, उनको हमने जैसे बोला कि आप आए हुए हैं तो वो आपको घर में बुलाना चाहते हैं, बट पुलिस नहीं आएगी, अगर पुलिस ने देख लिया तो उनको घर सील कर देंगे। उनने शायद कुछ कान में विस्पर किया शेख नयान को। वो अगले दिन कोई 300 लोग साईं संध्या पे आए और हमने उनको एड्रेस किया, शेट्टी साहब की गाड़ी आई, हमें वहां पर गई छोड़ के वापस आ गए। और आखिरी दिन से पहले जब शेख नयान स्टेडियम में आए, उन्होंने बोला मैंने ऑर्डर दे दिया आपको कैसेट्स मिल जाएंगे। और आज अबू धाबी देख लीजिए, और शेख नयान दिलेर मेहंदी के गाने पे पहली बार लोगों ने वहां पर देखा डांस करा, खड़े हो गए थे। और आज आज अबू धाबी को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए, कितने साईं भक्त हैं हमारे, हमारे को ही कितने फोन आते हैं वहां से, और वहां पर बाबा का मंदिर बन चुका है। इवन औशिम जी, जब हम लोगों ने ग्वालियर में किया था तो आपको याद है फाउंडेशन ने एक स्टॉल लगाया था। हिंदू मुस्लिम का जो एक एक जुड़ाव है ना, ये शुरुआत है। नहीं विजय जी, ये सच बात है, हमने जब ग्वालियर में इवेंट की तो पाकिस्तान टीम आई थी और हमारा एक फाउंडेशन का स्टॉल लगा हुआ था, इसमें बाबा के इतने बड़े बड़े स्टैचू बेचते थे। तो पाकिस्तान प्लेयर्स आए थे 16 और उनके कोच मिला के 17-18 लोग थे, उन सब ने एक एक मूर्ति बाबा की परचेज की, मूर्ति परचेज की, मुस्लिम पाकिस्तानी वो मूर्ति परचेज करके ले गए थे, वो मुझे आज भी याद है। जी जी जी, एक बार हम पीयूष जी को और कनेक्ट करते जी, हैं। जी बिल्कुल जी, अभी पीयूष जी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी बहुत क्लियर आ रही है आवाज, कैन यू हियर मी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। जी जी जी, ओके ओके जी, कुछ बताएं सर के बारे में। जी अच्छा, नहीं कौशिक जी के साथ तो हमारा एक बहुत अच्छा, जैसे कहते नहीं है कि आई मीन वे बैक इन 2009 जब मैं आईपीसी कौशिक के साथ था, और अचानक वैसे बाबा तो है ऑलवेज। आवाज आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ, आपको सुनाई दे रही है आवाज? पीयूष जी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, आवाज अब सुनाई दे रही है? बहुत कम आ रही है, अगर आप हेडफोन लगा लें। नहीं, हेडफोन लगा रखे हैं हमने। अच्छा, थोड़ा सा माइक अपने पास कर लीजिए, इसे करीब अपने। अच्छा, हाँ हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? जी अभी कुछ साफ है, बोलिए। जी जी, तो आई थिंक 2009 से सर के साथ हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ था। व्हेन पहले तो सबसे पहले कि व्हेन आई सॉ द फर्स्ट फिल्म बाबा की, एंड बाबा है सडनली, कहते नहीं, ऑल ऑफ अ सडन केम इनटू माय लाइफ, और बहुत मन था औशम जी के साथ मिलने का जब उन्होंने पिक्चर बनाई। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप ऐसा करिए ना, हेडफोन निकाल दीजिए, बिना हेडफोन के बात करिए। हाँ, हेडफोन निकाल दीजिए आप, अगर ब्लूटूथ, हाँ निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन पहला जो एसोसिएशन था बाबा के साथ, तो बहुत अच्छा आवाज आ रही। जी बोले। हाँ जी ना, तो पहला एसोसिएशन था जब मैंने साईं बाबा की पहले पिक्चर देखी थी, तो व्हेन आई वाज वाचिंग दिस मूवी, अपने आप आंखों में आंसू आ जाते थे। एंड क्या हुआ कि, और इन्होंने जब ये पिक्चर बनाई तो आई फेल दैट समथिंग वॉज ड्रॉइंग मी टूवर्ड्स बाबा, किसी तरह मेरे को बुला रहे हैं। और एक अचानक दिन मैं होटल में था, मैं आया और मैंने देखा कि नई फिल्म का प्रोमो हो रहा है, तो हिज ग्रेसेस मैं औशम जी के साथ मिला, एंड मैंने कहा कि नहीं, जब ये साईं से जुड़ी हुई है ये बात, तो इनफैक्ट वो तो मेरा जीवन है, वो तो मेरा सब कुछ है, एंड एनीथिंग दैट आई डू विदाउट हिज ग्रेसेस, विदाउट हिज नॉलेज, वो तो सब जानते हैं। आवाज के लिए नहीं, फिर से कम आ गई आवाज, फिर आ गई। अच्छा ठीक, हाँ कैमरे के थोड़ा पास रहिए तो। जी हाँ, तो इनफैक्ट व्हेन आई गॉट एसोसिएटेड, फिर मैं देखा कि वहाँ पे औशम जी बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट लेट्स बिकम द हॉस्पिटैलिटी पार्टनर विद द इनफैक्ट मूवी, और ये काफ़ी दिनों तक हम लोग का एसोसिएशन रहा है। देन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई वेंट अवे, बट मैं ये कहूँगा कि जो सर ने आगे जो कदम बढ़ाए हैं बाबा के साथ, और आज जिस तरह का वो
एसोसिएशन और फाउंडेशन उन्होंने बनाया है, आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स टुडे, बिकॉज एक तो वर्ल्ड इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है, दे थिंक दैट एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स। और साई कह रहे हैं कि दो चीज़ें जो मैंने सीखी है साई के साथ, एक तो मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ, आई हैड अ लॉट ऑफ, जैसे सर ने बोला कि उनका एसोसिएशन कैसे हुआ है, जिंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, मेरा भी बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, बट आई नेवर लॉस्ट होप। मैंने कहा कि नहीं, जब बाबा आपने मुझे एक दूसरा दरवाज़ा दिखाया है तो आई एम श्योर दैट यू विल शो मी अनदर वे आउट। और मैंने कहा कि आप जीवन में रिकवरी करो ना करो, बट आई सेड आई कैन नॉट लीव योर हैंड, क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट विच हैपेंड विद मी। एक बार मैं गुड़गांव से आ रहा था, एंड क्या हुआ कि मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि मैंने कहा तुम पीतमपुरा में रहना, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल, और मैंने कहा अगर मैं बाई रोड आता हूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्या हुआ कि एक लड़का आगे खड़ा हुआ था, एंड सडनली माई लेफ्ट, और वो जो बीच में जो गैप होता है बिटवीन दी, क्या बोलता है आपका, मेट्रो और उसके बीच में जो प्लेटफॉर्म होता है, तो मेरा राइट लेग उसमें जाके फंस गया। एंड यू वोंट बिलीव इट, द मेट्रो नेवर स्टॉप्स, द मेट्रो इमिडिएटली मूव्स। तो वहाँ पे कुछ यंग गर्ल्स खड़ी हुई थी एंड बॉयज, जिस लड़के ने करा, तो आई डिडंट से एनीथिंग टू हिम, एंड व्हाट आई डिड वाज आई सेड एटलीस्ट मेरी कोई मदद तो कर दो, बट नो वन वाज विलिंग टू हेल्प। तो पहले बार जब मैंने बाबा का नाम लिया, मैंने कहा साईं अब तो इट्स आई डू नॉट नो व्हाट टू से, अब इट्स ऑल गेम ओवर। मैंने कहा तो एक बार जब मैं बोला, मैंने ट्राई करा अपना लेग, मेरा लेग निकला नहीं। एंड सेकेंड टाइम व्हेन आई सेड कि साईं आई थिंक एनी टाइम द मेट्रो विल स्टार्ट एंड फिर आपको तो मैं ऊपर ही मिलूंगा, और कहाँ मिल सकता हूँ आपसे। एंड यू वोंट बिलीव इट कि जब मैंने उनका नाम लिया, देन द लेग ऑटोमेटिकली केम आउट, और जैसे पैर बाहर आया, एंड यू वोंट बिलीव इट कि बहुत एंड व्हेन द मेट्रो स्टार्टेड, सो देयर वाज दिस वेरी ओल्ड जेंटलमैन, ही सेड कि सर आपको चोट लगी, आप आइए बैठिए। एंड कैन यू इमेजिन ऑल द वे विद हिज ग्रेसेस आई वॉक्ड, आई गॉट डाउन एट राजीव गांधी, जो आपका ये मेट्रो स्टेशन है, वहां से मैंने I walked all the way up. Itne pain mein, I walked all the way up because Sai was with me. And I went and changed another metro. When I went home, koi swelling nahi, kuch nahi hua. I just went to a regular doctor and I said, ye mere saath hua tha. And it all got cured. So, you know, I think Aushim ji has been a great, I would say, not only a friend, but he has been showing me the way. Kyunki साईं का साथ न छोड़ना और हम लोग का एसोसिएशन जो है, आज बहुत साल हो गए हैं, एंड इनफैक्ट गोरखपुर में आई थिंक वी हैव बिल्ट अ टेंपल हियर, और हम लोग बस यही एक मैसेज जो लोगों को बोल रहे हैं कि अगर जीवन में अगर कुछ आपको हासिल करने हैं, आई थिंक व्हाट जो बाबा ने कहा था कि फेथ एंड पेशेंस, दैट नेवर लूज होप इन योर लाइफ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग, बिकॉज शरीर तो हमें त्यागना त्यागना है ही बिल्कुल, but I said why lose hope? मैंने कहा when the worst comes, the best will again come with you in the future, you know. So do not lose hope. और जो भी मैं कुछ करता हूँ without Sai's graces, in fact ऐसे ऐसे incidents हुए हैं मेरे साथ कि I can't say कि that today like he has become a living guru for me. और कुछ भी मेरे को काम करना होता है तो without Sai's कहते नहीं है, एक बार उनका आवाहन करके ही I do. एंड आई थिंक आश्रम जी के साथ तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, जब मैं अगर मेरे को कुछ ऐसी समस्या आती है तो मैं तो इनको दिन रात सीधे फोन कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर ये मेरे साथ समस्या है, आप इसको गाइड करिए मेरे को क्या करना है आगे। एंड ही ऑलवेज हैज़ बीन अ ग्रेट एल्डर ब्रदर, गार्डियन, और वो मेरे को बताते हैं कि दिस इज हाउ इट इज, कि ये एक पासिंग टाइम है। सो आई थिंक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑशम जी के साथ रह करके, बाबा के साथ रह करके, मैसेज टू ह्यूमैनिटी इज पीस, लव, ट्रैंक्विलिटी, एक दूसरे का कभी इंसान। अच्छा, अनदर थिंग विच इज वेरी हैपेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज कि जैसे बाबा को गुस्सा बहुत आता था, आई थिंक ऑशम जी विल टेल बेटर, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, और ये क्वालिटी अब मेरे में डेवलप हुई है कि इफ आई गेट अनॉयड बट आई डोंट टेक इट पर्सनली, मैं ये चीज़ को पर्सनल ले लेता हूँ कि चलो ठीक है इंसान ने गलती करी। मैंने कहा एक मिनट गलती, बिकॉज वी आर गेटिंग एंग्री टू इनफैक्ट इंस्टिल गुड क्वालिटीज इन द ह्यूमन, यू नो, टू इम्प्रूव हिम सो दैट ही डजंट मेक अनदर मिस्टेक, बट इफ वी टेक इट पर्सनली तब तो देन वी आर ओनली लुकिंग एट द प्रोज एंड द कॉन्स की हमें क्या बेनिफिट मिलना, वी आर नॉट लुकिंग एट द बेनिफिट फॉर आवरसेल्फ्स। सो आई थिंक द ग्रेटेस्ट क्वालिटी
सर के साथ रह करके और सर ने जो गाइडेंस दिया है कि नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली, ऑलवेज हैव होप, और आई थिंक मैं आगे चल के अंडर यहाँ पे गोरखपुर की तरफ वेयर वी हैव द मंदिर, इट हैज़ बीन माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन जो अश्विन जी ने बोला है कि यहाँ पे वी आर बिल्डिंग एक कहते नहीं है कि जैसे भोजनालय है, तो ताकि एवरी ह्यूमन बींग कम्स ओवर देयर एंड पीपल हैव अ मील, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है उनको फ्री खाना मिलेगा, देन वी थिंग्स फ्रॉम द संस्थान साइड एंड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बाबा। बहुत लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाए कि बाबा कौन थे, वो तो साक्षात हैं बिल्कुल, ही इज द डिवाइन फोर्स, जैसे सर ने कहा आफ्टर जीसस। बहुत लोगों ने क्लेम करा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और वी कैनॉट बी क्रिटिकल ऑफ द पीपल हु हैव क्लेम्ड दैट दे हैव बीन बाबा, यू नो नो वन कैन बी बाबा, बिकॉज आफ्टर बाबा आई डोंट थिंक सर अगर मेरे को करेक्ट करेंगे, नो वन हैज कम, पीपल हैव कम, दे हैव ट्राइड कॉपिंग हिम, दे हैव ट्राइड थिंग्स विच आई कैनॉट सी, इट इज नॉट गुड टू कमेंट अबाउट इट, बट बाबा की एक जो अस्तित्वता है एंड बाबा जो है वो अपने आप में है। कभी कभी मेरे पास सवाल होता है कि आप मेरे को शिरडी क्यों नहीं बुलाते हैं, तो ही सेड कि जब मेरे को बुलाना होगा तुम्हें बुला लूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत है अगर तुम यहाँ गोरखपुर में बैठे हो और तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। एंड वन अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज सर, सर मैं आपसे बोलूँगा, जब जब मैंने अपनी कुंडली किसी, जिसको कहते नहीं है कि जो आपकी कुंडली देखते हैं और ये पंडित होते हैं, जब जब मैं गया उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला, और जब जब मैं बाबा के साथ रहा मेरा पॉजिटिव लाइफ में हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे चरणों में अपनी कुंडली रख दे, भाग की रेखाएं मैं बदलूंगा और ये जहां नहीं बदल सकता है। सो आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट, वो किस रूप में कैसे आ जाए आपके पास और आपके मन में कैसी भावना डाल दें, यू नेवर नो, एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट ऑफ बाबा, क्योंकि एज आई से दैट जब तक ये नहीं तब तक हम नहीं बिल्कुल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, एक मिनट, अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, यस सर, जी 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 जी, थैंक यू प्रीत जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा सर के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, तो मैंने कहा कि थैंक यू गार्जियन है, एंड इनफैक्ट ये बोलेंगे वैसा मैं करने के तैयार नहीं हूँ, बोलेंगे मेरे को शूटिंग ऐसे करनी है वैसे करनी है, आई एम ऑलवेज विद माय एल्डर ब्रदर, क्या बात क्या बात, थैंक यू एंड विकास जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, बिल्कुल इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, थैंक यू सर। इस कोरोना काल में चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आम जनमानस है वो, चाहे कोई टेक्नीशियन हो, सब लोग बहुत डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन सबके मन में आ रहा है, कुछ पॉजिटिव मैसेज दें कैसे अपने मानसिक संतुलन बना के रखें। कोरोना वायरस अभी 2021 नवंबर तक नहीं जाएगा, 21 नवंबर अभी धरती पे बहुत बहुत तकलीफें आने वाली हैं, और ये वायरस ठीक होगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर होगा ठीक, बट ये आप समझ के चल लीजिए कि आगे की जनरेशंस अब हाइट भी कम, उनकी फिजिकल एनर्जीज भी कम, ये सब के अंदर हम जूझना शुरू करेंगे, तो जी। हमारी तो जनरेशन चलो अब थोड़े साल रह गए निकल जाएगी, बट जो यंग जनरेशन है वो रियल कंसर्न है वर्ल्ड का, और वो कंसर्न को कितना भी वैक्सीन निकल जाए, इसलिए नहीं कि हम बाबा का प्रचार कर रहे हैं या बाबा हमारे से क्लोज है, बट मैं आपको एक चीज आज भी बता दूं, बाबा की विभूति के अंदर जो ताकत है शायद कोई वैक्सीन में उतनी ताकत नहीं है, और जब संसार टूट रहा होता है एक ही चीज काम करती है, वो है फेथ, और जो फेथ लोगों को बाबा की विभूति में है वो उसको अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप खाने में भी थोड़ी सी बाबा की विभूति डाल लें आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, अश्वगंधा तो है ही है अच्छा, गिलोई तो है ही है अच्छी, ये भारत के अलावा कहीं वर्ल्ड में ये सब चीजें मिलने नहीं वाली हैं,
बट हम आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस. अगर किसी की जान बचती है, हम कोई फेथ नहीं, हम फेथ कर रहे हैं. तो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम अगर पूरी बेस्ट को ना सुन के थोड़ी अपने अंदर जाएं और हमारे आध्यात्मिक लीडर्स को भी हम अगर सुन लें जो जेन्युइन है, और जो जेन्युइन लोग हैं आज के आध्यात्मिक लीडर्स नहीं है चोगा वाले, देर आर लॉट ऑफ एजुकेटेड आध्यात्मिक पीपल हु आर मोर एनालिटिकल देन द चोगा वाले लोग, उनकी भी सुन लें. वो भी सबसे बोलते हैं, उनके अंदर भी परमात्मा बसा है, बट ये माइंडसेट को दूर करने में टाइम लगेगा. हाँ, ये मैं एग्जांपल हूं उसका, कि ये एक माइंडसेट लोगों का दूर हुआ है कि कोट पैंट पहन के आदमी भी ज्ञान दे सकता है. तो ये माइंडसेट जब तक हमारा दूर नहीं होगा इंडियंस का, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बहुत लोग बहुत चीजें इस कंट्री में बहुत हित की बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी की, और जितनी एम्पथी इंडिया में है जी, आपका जीवन क्या है, आप गाय के बारे में अच्छा सोचे, एम्पथाइज करें दूसरे मनुष्य के साथ, ये सब भारत से ही तो गया हुआ है. और वो अब टाइम आ गया, हम लोग अपनी अब वापस चले जाएं, हम लोग ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दें, स्कूलों में वो ग्रंथ पढ़ाने शुरू कर दें. अगर वो पढ़ाने शुरू करें, भारत वैसे ही विश्व नंबर वन हो जाएगा, क्योंकि मन का संतुलन, हमारी शक्ति इतनी बड़ी. आज देखिए, छोटी बात है, मैं इस प्राइम मिनिस्टर की बहुत दाद देता हूं. जिस ढंग से पिछले 4 महीने में अब हम पाकिस्तान को अपना ऑपोजिशन समझते ही नहीं, हमारा माइंड थॉट ही चाइना हो गया. जिस ढंग से एज ए ब्रेव लीडर ही हैज गॉन एंड स्टूड ओवर देयर, हर इंडियन के मन, अरे पाकिस्तान को तो कभी लड़ाई होगी तो वैसे ही हम कर देंगे, मेन तो चाइना है. माइंड थॉट ही 40 साल का था, वो माइंड थॉट बदल गया ना आपका. सो अगर स्कूलों में हम गुरुकुल की शिक्षा शुरू कर दें, 10 साल के अंदर वी विल रूल द वर्ल्ड. और ये ना सोचे कि चोगा वाले ही कर सकते हैं ना जी. आज बहुत लर्नेड है, बहुत एनालिटिकल लोग हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट में भी बहुत लोग हैं जो अकलमंद और सेंसिबल बातें करते हैं. सुनिए सबकी, करिए अपने मन की. चलिए जी, बाबा तो रामदेव अगर गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छा योग जो उनने योग किया है, जो योग का प्रचार किया है उनने, कितने भारतीय ठीक हो गए. तो हमें तो खाली अपने पीछे ही जाना है, 3000 साल पहले ही जाना है, और तो कहीं जाना नहीं, वो बहुत आसान है जी. अगर कोई बाबा का भूपति अगर लेना की बात करते हैं, आज बॉलीवुड की हम बात करते हैं, चलिए फर्क क्या है, आज फर्क क्या है, जो ऑडियंस है बॉलीवुड का वर्ल्ड वाइड जी, सर इंडियन अमेरिकन में बैठा हो, ओरेकल का हेड हो, 2 महीने के बाद एक बार सलमान की, शाहरुख की, ऋतिक की पिक्चर जरूर देखना चाहता है, अमिताभ बच्चन की तो पिक्चर देखना ही चाहता है. क्यों? Why is that? वो तो अमेरिका में 50 साल से है. Why does he want it? Because हर मूवी के अंदर उस टाइम एक मैसेज होता था. जी. आज हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनरेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड वाइड कि हम अगर सही मायने में अगर सब मैसेज दे पाए जी, हमारे को कोई पीछे छोड़ नहीं सकता. ये अगर खाली गुरुकुल जैसी शिक्षा यहां पर दे दे, बस हाफ द बैटल ऑफ दिस कंट्री इज वन. फिर 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होने वाला. बिकॉज अंदर से हमारी इम्यूनिटी, माइंडसेट ही हमारा स्ट्रांग हो जाएगा ना जी. अल्टीमेटली कोरोना का क्या है, फियर है सर जी, जी कोरोना का फियर है, कोरोना का फियर है जो भर गया है. और जिसको जिसको जाना है वो तो वैसे ही जाएगा. बिल्कुल सही बात.
तो सर मैं बोल रहा था कि हमारे दर्शकों को बताए कि वो भूभूति अगर लेना चाहे मंगाना चाहे तो कहाँ से कैसे मंगा सकते हैं, सॉरी मैं समझा नहीं। जो अरे आप। बाबा की उदी, जो हम लोग अपना फाउंडेशन की उदी है बॉटल। हाँ हमारा नंबर है 7290004222 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, एड्रेस दे दीजिए। विभूति सबको फ्री जाती है, खाली कुरियर का कॉस्ट लगता है। बोतल में विभूति, अब बहुत बड़ी बात जो है, वृंदावन में बाबा की मशाल जल रही है और 24 घंटे वृंदावन में बाबा की विभूति जलती है और वहां से जो विभूति है सब भक्तों को जा रही है। ऑलरेडी अबाउट 6,000 भक्तों को इन द लास्ट 20 डेज जा चुकी है, और इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप कर दें उनको विभूति 101% फ्री मिलेगी एक बार और नंबर फिर दे से कैन बता कीप दीजिए ऑन गेटिंग द विभूति। जी एक बार दर्शकों। नंबर दोस्तों सर एक बार फिर से नंबर बोल दें। अश्विन जी, नंबर एक बार फिर से बोल दीजिए। 7290004222 इस पे खाली व्हाट्सएप कर दीजिए, फोन ना करिए व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि फोन अपना बंद हो तो एड्रेस फिर व्हाट्सएप क्लॉग कर हो दीजिए, जाएगा। उस पे अपना आप व्हाट्सएप कर दीजिए दोस्तों, और जी आप एड्रेस अपना डाल दीजिए तो सर की संस्था आपको वो आपके घर पे पहुंचा देगी। ये आपने अभी जी फोन नहीं अभी किया है, दो तीन लोगों के मैसेजेस आ गए हैं। जी 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 नहीं नहीं बिल्कुल। और सुधीर जी लिख भी रहे हैं कुछ कि बाबा की उदी सुबह पूजा करने के बाद अपने माथे पर लगाए और थोड़ी सी जुबा पर चखें, सब मुसीबतों से बचाती है। क्या बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। सही जी बोल रहे जी हैं, जी जी बिल्कुल सही बोल रहे सर लास्ट में जाते जाते कुछ मैसेज ऐसा दीजिए, और कुछ साई की कुछ सर बोल रहे थे कि आप कुछ गाना भी गाए हैं, सॉन्ग भी कुछ सुना दीजिए तो अच्छा रहेगा। हैं। मैं एक एक मैसेज मुखड़ी देना सुना दीजिए चाहता सर। हूं जी जी जो बिल्कुल बिल्कुल सब पे लागू होता है। जी दो मैसेजेस हैं जो मैंने अमल जी किए हैं। वेन एवर यू टेक अ पोजिशन इन लाइफ, जब भी आप जिंदगी में कोई पोजिशन लेते हैं, देर इज ऑलवेज ऑपोजिशन। जी वेन एवर यू टेक अ पोजिशन एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, देर इज नो ऑपोजिशन। कृष्ण कहता है अर्जुन को, जब तू मेरे शरण में आ जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग इज ओवर आफ्टर दैट। उसको तेरे पास, उसको तेरी सब ऑपोजिशन जिंदगी की खत्म हो जाएगी। और ये जो वाणी है, ये वाणी इतनी सच है कि आई हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ एंड आई स्टिल डू दैट। बट जब हनुमान की तरह आप राम को पूजने लग जाएं, तो सब आपकी प्रॉब्लम वहीं पर जाके भस्म हो जाती है, एट द फीट ऑफ राम। जी और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मनुष्य को जीने के लिए, जब वो आज इस संसार में जी रहा है, ऑलवेज बी रेडी फॉर अ चेंज। वेन आई कैन चेंज देन यू विल चेंज, एंड वेन यू कैन चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। तो दूसरों को चेंज लाने से पहले अपने आप बदल लो। अपने आप बदलोगे दूसरा वाला बदल जाएगा, दूसरा बदलेगा तो वर्ल्ड चेंज हो जाएगी। बिल्कुल 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 हम लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, मगर एक बात नहीं समझते। परमात्मा हमेशा कहता है, तू वो कर जो मैं कहता हूं, मैं वो करूंगा जो तुझे चाहिए। बस जी इट्स वेरी सिंपल, एलिमेंट्री है ये। इसीलिए भारत को गुरुकुल की शिक्षा फिर चाहिए। सर वो शिक्षा चाहिए जहां पर आप एसी में ना बैठे हो, नीचे बैठे हो, खेतों में बैठे हो, बाहर बैठे हो, वो शिक्षा जब तक पसीना नहीं आएगा आपको ज्ञान नहीं आएगा। नहीं मिलेगा बिल्कुल। ये सत्य है। और जिन जिन ने वैसी एजुकेशन करके बड़े हैं, वो आज जिंदगी में फेल नहीं हुए हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है लेफ्ट में,
जिनके दरमियान कूट कूट के भरा है, बट ये इनकी पढ़ाई कैसे हुई होगी, इनने कैसे किया होगा, हम तो कभी कभी सोच के सोच ही नहीं सकते, माय थॉट डजंट गो देयर। अच्छा विजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, कुछ बोल रहे थे विकास सर कुछ सुनाने के लिए। अच्छा गाना जी, कुछ साईं ओम साईं राम, साईं बाबा शादी बुलाने को मुखला सुना दीजिए, लाइन एक लाइन सुना जी। मुझे साईं बाबा शिरडी बुला लो, मुझे साईं बाबा शिरडी बुला लो, हर एक भूल मेरी दिल से लगा के, हर एक भूल मेरी दिल से लगा के, दया करके मुझको गले से लगा लो, मुझे साईं बाबा, मुझे साईं बाबा शिरडी बुला लो। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, हम लोग बहुत धन्य हो गए आज जैसी महान हस्ती के बातें सुनकर। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।